मैं कहना चाहूंगा कि कुरान शरीफ के अंदर एक वर्ड आया है इकरा, मोस्टली जो मुस्लिम लड़के हैं उनको पता है इकरा, यानी अल्लाह ने भगवान ने क्या कहा कि इकरा का मतलब है आपको तालीम हासिल करना जरूरी है। सारे काम बाद में, सबसे पहले है एजुकेशन, सबसे पहले है स्टडी। और अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ये हिंदू के लिए ज़रूरी है, मुस्लिम के लिए ज़रूरी नहीं है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मुस्लिम के लिए ज़रूरी नहीं है, हिंदू के लिए ज़रूरी नहीं है, सबके लिए ज़रूरी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ लड़के पढ़ सकते हैं, लड़कियाँ नहीं पढ़ सकती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि लड़कियाँ पढ़ सकती हैं, लड़के नहीं पढ़ सकती है, सबके लिए, सब इक्वल, सबको पढ़ना ज़रूरी है। अगर देखा जाए आज की तारीख में हिसाब से हमारे यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, विलेज का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ पे क्या होता है कि लड़कियों को थोड़ा पढ़ाया जाता है, दसवीं क्लास कराती उसके बाद लड़कियों को जो है पढ़ाई से जो हटा दिया जाता है। क्यों बोलते हैं कि कॉलेज में जाएगी तो उसका कैरेक्टर खराब हो जाएगा, है ना। तो कैरेक्टर तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने बच्चों को तरबियत कैसे दे रहे हैं, आप अपने बच्चों को स्टार्टिंग से किस तरह से लेकर चल रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि कैरेक्टर खराब हो जाएगा, आपका नाम खराब हो जाएगा पढ़ाई करने से, तो उसकी जो तरबियत है, उसे जो आप लेकर चल रहे हैं, उसे इन्वायरमेंट कैसा दे रहे हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। मोस्टली चलो जो हिंदू फैमिली है वहाँ पे तो जो है लड़कियों को पढ़ाया जाता है आज की तारीख में, लेकिन मुस्लिम फैमिली की अगर मैं बात करूँ तो लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है। जबकि आपको ये देखना चाहिए, बोलते हैं कि हमें जॉब नहीं करानी है, चलो समझ में आ रही है आपको जॉब नहीं करानी है, अरे भाई शादी तो करेंगे, शादी होगी तो बच्चे भी होंगे, और सबसे अच्छी जो टीचर होती है एक बच्चे की वो उसकी माँ होती है। टीचर बाद में होती है, जो स्कूल वाली टीचर होती है बाद में होती है, सबसे पहले कौन होती है, उसकी माँ होती है। क्योंकि उसकी माँ जो है उसके माँ से जो पैदा होता है बच्चा, और फिर चलना कौन सिखाता है, माँ सिखाती है, बोलना कौन सिखाता है, माँ सिखाती है ना। अब माँ अगर उसको गलत बताएगी तो उसके माइंड में वही चीज़ स्टोर हो जाएगी। माँ अगर उसे अभी से डिवेलप करेगी तो वो क्या होगा, बच्चा डिवेलप होगा, यानी उसे अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, एक अच्छा माहौल मिल रहा है, फन मिल रहा है, हमारा ही होना। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है दादा, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपने बच्चे को किस लाइन में लेकर के जाना है, नंबर एक बात। नंबर दो, अगर आप कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए आप इंग्लिश की बात करें, तो आपको जो है पॉजिटिव थिंग सोचना ज़रूरी है, नेगेटिविटी आपकी लाइफ में नहीं आनी चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ हार्ड वर्क भी ज़रूरी है। ओके गाइज, सो आज के बाद आप क्या करने वाले हैं, पॉजिटिव थिंक एंड हार्ड वर्क। आपको जो है जितनी भी डिस्ट्रैक्शन चीज़ें हैं वो हटा देना है, और नेगेटिव थिंकिंग जितनी भी है उसको रिमूव कर देना है। सो करेंगे सब, यस सर। वेरी